भाइयों को नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिहाग मुरा फार्म पर। दोस्तों, एक और स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूँ मनजीत भाई के डेयरी फार्म पर, क्योंकि इनका पर्पज एक ही है, एक तो दूध सेल करना, ऊपर से जो प्लस पॉइंट है मैं कहूंगा बचत का पॉइंट है कि ब्रीड तैयार करना, बच्चे तैयार करना। तो बेहद ही जबरदस्त एक ये कटड़ी तैयार की है भाई ने, काफी शानदार है, हाइट लेंथ प्लस बहुत शानदार है, और साथ ही में इसकी माँ भी है, वो भी दिखाऊंगा। जो भी इसकी कटड़ी की डिटेल है मैं कहूंगा स्पेशल ब्लड लाइन से है, तो वो कुछ आपको मनजीत भाई के मुंह से ही बताऊंगा क्या कुछ है। और चलिए सबसे पहले मनजीत भाई से, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों का, हमारा जो प्रिजनों का है, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका हमें टाइम बचाना है, ज्यादा नॉलेज देनी है कम टाइम में। मनजीत भाई राम राम। राम राम भाई, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया साहब। भाई एक बार पूरा अपना एड्रेस बता दो। मेरा नाम मनजीत सिंह सिद्धू जी, गांव ढाबी खुर्द, डिस्ट्रिक्ट और तहसील फतेहाबाद। फतेहाबाद। एक मोबाइल नंबर और दे। मोबाइल नंबर 98563 088 88 जी, 088 88 जी। तो अपनी कटड़ी के बारे में बताएं भाई कुछ, इसकी एज कितनी होगी? इसकी एज लगभग 7 मंथ के लगभग होगी। अच्छा, 7 मंथ के लगभग हो चुकी है जी। और इसकी मदर रिकॉर्ड कितना भाई? मदर जी इसकी ये मान के चलो मैंने निकाला है 22 किलो दूध इसका। 22 किलो हाँ, दूध निकाला आपने। जी जी। 25 तक की कैपेसिटी है। मैं जिस तरह क्या है, जैसे ज्यादा दूध पे चलती है तो मैं इसका दूध, इसका दाना कम कर देता था। दाना कम कर देते हैं। हाँ, जी जी। क्योंकि ये जो भैंस आ रही है गिफ्ट के तौर पे आ रही है मेरे पास। अच्छा, गिफ्ट के तौर पे आ रही। ठीक है ठीक है, बहुत शानदार। क्या है, जैसे गिफ्ट के तौर पे कोई देता है तो ये सोचे मैं कुछ ना कुछ अच्छी करके दे, अच्छी करके दे। ठीक बात है। ज्यादा दूध का लालच करेंगे जी, जी तो पशु कमजोर होगा, पशु कमजोर हो जाएगा। साथ ही में इसकी माँ, फादर लाइन के बारे में बताएं भाई साहब कुछ। कटड़ी है जी तूफान की, तूफान कुंगड़ जी। तो दोस्तों, एक मैं कहूंगा, एक जो दूध क्रांति में एक आंधी और तूफान लाने वाला है, क्रेज लाने वाला है, वो बुल है तूफान कुंगड़, लाडो धानसु का बेटा, एशिया की अपनी जो गोल्ड मेडलिस्ट कही जाने वाली एकलौती भैंस लाडो धानसु, उसका बेटा, काफी शानदार। तो भाई साहब आप सिमन लेके आए थे, कैसे बताए थोड़ा? ये कटड़ी भैंस के पीछे आई थी जी, भैंस के नीचे आई थी जी जी जी। तो इस कटड़ी को देखने के बाद जी, मैंने अभी 4 भैंसों की एआई करवाई है, चारों पे तूफान का सीमन यूज किया है, तूफान का लगाया जी। हाँ, क्योंकि कटड़ी को देखे मन खुश होता है जी जी, बड़ी अच्छी बनने वाली दिख रही है, बड़ी अच्छी बनने वाली। हाँ, है। ये देखिए दोस्तों, आपको भी दिखाता हूँ मैं अच्छी तरह, काफी शानदार कटड़ी है, बहुत अच्छी चल रही है। और अगर इसके पीठ पुट्ठे की बात करूं, बिल्कुल सेम फादर ब्लड लाइन पे, काफी अच्छी। और जो एक फैक्ट है वो जरूर बताऊंगा इस वीडियो में मैं, वो भी बताऊंगा। और पीठ पुट्ठे की देखिए काफी शानदार। अगर नीचे की बात करूं तो ये देखिए, बहुत चौड़ाई में थन है, काफी अच्छे जो हम चद्दर बोलते हैं वो भी काफी शानदार, बहुत अच्छी पीठ पुट्ठा, काफी शानदार, बहुत अच्छा अपने बाप पे लिख गई है, काफी शानदार। और अगर भैंस की बात करूं तो ये देखिए दोस्तों, भैंस के करेक्टर भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी दुधारू है, अभी दूध का टाइम होने वाला है, लगभग घंटा सवा घंटा बाकी है, काफी शानदार। और अगर कटड़ी की पूंछ की बात करूं तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल जेड ब्लैक है, बिल्कुल जेड ब्लैक है, तूफान कुंगड़ की कटड़ी है। और अगर भैंस की बात करूं तो ये देख सकते हैं नीचे आप, पूंछ थोड़ी सफेद लगभग 1.5 से 2 इंच तक, काफी शानदार। खोल दो भाई एक बार इसको, थोड़ा अच्छी तरह दिखा दे। ये देखिए बहुत ज्यादा चंचलता है, क्योंकि जो जिसकी मैं कहूंगा बुल में ज्यादा, अलग कर दो भाई इसको, कोई बात नहीं, अलग कर दो थोड़ा, अभी दूध का टाइम है, मैंने बताया अच्छा दूध पिला रखे भाई ने, खूब अच्छी तैयार कर रखी है ये नहीं हटेगी भाई, चलो ठीक है कोई नहीं, दूध निकाल लो आप, इसको पहुंचा लो, बांध दो, अगर वहीं निकालना तो वहां निकलवाएगी, थोड़ी घबराई हुई है यहाँ पे। हाँ बांध दो भाई इसको, अलग बांध दो। तो काफी अच्छी तैयार की भाई मनजीत भाई ने, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेन पर्पज है इनका ब्रीड तैयार करना, फिर हम कहेंगे बच्चे तैयार करना, उसमें बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं। तूफान कुंगड़ की इन्होंने सबसे पहले चॉइस ली है कि उसकी कटड़ी तैयार करेंगे, ये देखिए काफी शानदार मेहनत कर रहे हैं भाई। तो भाई क्या कुछ डाइट प्लान है मनजीत, बताएं? डाइट प्लान तो जी इसको दूध पिलाता हूँ जी, लगभग 4 लीटर दोनों टाइम का, 4 लीटर जी, और एक पिलाते हैं जी इसको लस्सी, लस्सी पिलाते हैं। ठीक है, काफी शानदार। लस्सी में जिस तरह अड़म और चना, मेथी जी, बाजरा जी, ये आइटम मिला के लस्सी में फिर अच्छा, इसको फिर पिलाते हैं। हाँ जी, ये सुरजीत मलिक ने बताया था एक दिन जी जी। हाँ भाई, ये आप डाइट दो बच्चे को, डाइट दो। हाँ, जी जी, बढ़िया तैयार होगा जी, बहुत अच्छी तैयार कर रखी है भाई मंजीत, काफी अच्छी तैयार कर रखी है, एक मतलब झलक देखने को लगे तो देखता ही रह जाए, काफी शानदार, बहुत अच्छी। गर्दन की बात करूं तो बेहद ही लंबाई है गर्दन में, काफी शानदार, बिल्कुल जेड ब्लैक है, कमी नहीं कटड़ी में कहीं भी। और एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी जरूर है थनों में, क्योंकि
तूफान की बेटी है, यानी कि जो लाडो धानसु है उसके बेटे की बेटी है, तो ये तो होनी थी, काफी शानदार। तो मजीद भाई इसको सेल करना बताएं थोड़ा अभी। नहीं साहब इसको नहीं करेंगे। अच्छा इसको नहीं करेंगे। हाँ, ये अनमोल है साहब। अनमोल है बिल्कुल, इतनी मेहनत कर रखी है, अपनी मेहनत का कोई मोल नहीं होता, काफी शानदार। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है भाई बताना कटड़ी कैसी लगी आपको, काफी शानदार कटड़ी तैयार की है भाई ने, और इनकी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर ठोक दे वीडियो में। और बच्चे तैयार करने की थोड़ी प्रक्रिया जान लेते हैं मंजीत भाई से। तो मंजीत भाई कैसे कितना हर जो आप ब्रीड तैयार करते हो, बच्चे तैयार करते हो, आपने बताया चार बुल सॉरी तूफान बुल से चारों की और प्रेगनेंसी करवाई आपने, तो मतलब स्टार्टिंग से लेकर 8-9 महीने तक क्या कुछ डाइट प्लान रहता है, बताएं थोड़ा दूध किस टाइम? बात ऐसे जी, जैसे 3 महीने तक तो मैं लाता हूँ खाली इनको दूध। दूध हाँ, कोई दाना वाना नहीं रखता। ठीक है। और जो लस्सी वाला फार्मूला है वो मैं शुरू कर देता हूँ जब ये 20 दिन का काफ हो जाता है ना। 20 दिन का हो जाता है उसके बाद? हाँ उसके बाद मैं ये लस्सी वाला फार्मूला शुरू कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। और जब इसकी 3 महीने हो जाती है जी, फिर इसको थोड़ा दाना रखने लग जाता, फिर दाना भी खाने लग जाती, तो इससे अच्छा मतलब मिलता है, अच्छी ग्रोथ हो जाती है। बहुत बढ़िया जी, काफी शानदार। तो बहुत अच्छा लगा भाई मंजीत आपसे मिलके, दिल खुश हो गया। और डेयरी फार्म की व्यवस्था करूं तो एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा इस वीडियो में, काफी अच्छा बना रखा भाई ने, काफी अच्छी मेहनत करी है। तो भाइयों एक ही बात कहूंगा, जो मुहिम है मुर्रा की, हर घर मुर्रा, तो ये मुहिम को जारी रखें, अच्छा काम करें, बढ़िया सीमन की आप प्रोसेसिंग ले ताकि आपको भी अच्छा फायदा हो। ठीक है भाई मंजीत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी कटड़ी मैं कहूंगा हर घर लाडो होने वाली जो एक मुहिम है तूफान कुंगड़ से, हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम करेगी। ठीक है भाई मंजीत, राम राम आपको। सारे भैया राम राम भाई, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मंजीत भाई की मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर जरूर ठोक दियो। सारे भैया राम राम।